नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के थाना जगदीशपुरा के मंगटई क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव सरसों के खेत में मिला। 3 दिन पहले काम करने के लिए घर से निकला था। थाना सिकंदरा के जेपी ड्रग कंपनी में था मैनेजर। शव की शिनाख्त 50 वर्षीय किशोर के रूप में हुई है। किशोर कुमार की हत्या की आशंका जताई जा रही है। थाना सदर के नगला परसोती का रहने वाला मृतक SPCT रोहन पी बोत्रे और इलाके पुलिस मौके पर पहुंच गए। तो पूरा मामला थाना जगदीशपुरा के मगटई क्षेत्र का है, जहां सरसों के खेत में एक व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले घर से काम करने के लिए निकला था, लेकिन उसी दौरान आज पुलिस को उसका शव सरसों के खेत में मिला है। थाना सिकंदरा के जेपी ड्रग कंपनी में मृतक मैनेजर था। शव की शनाख्त 50 वर्षीय किशोर के रूप में की गई है। आशंका जताई जा रही है कि किशोर कुमार की हत्या की गई है। थाना सदर के नगला परसोती के रहने वाले हैं। इसी दौरान सूचना पर SPCT रोहन पी बोत्रे और इलाके पुलिस मौके पर पहुंच गई। आगरा से हमारे सहयोगी दुष्यंत कुमार उपाध्याय की खास रिपोर्ट। देखिए, थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के मगटई जो एरिया पड़ता है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पे सभी अधिकारी और थाना पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। बॉडी के फोरेंसिक टीम द्वारा यहाँ पे जो भी प्रक्रिया है वो कंप्लीट न की गई है और बॉडी को अभी पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी, सारे डिटेल्स यहाँ पे खंगाले जाएंगे। जो भी CCTV कैमरा के फुटेजेस अगर होंगे आसपास के एरिया में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और इसके आधार पे फिर तय होगा कि फिर क्या एग्जैक्टली मामला था। इनके सारा जो सर्वेलांस के माध्यम से भी डिटेल